दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30x20 हाउस प्लान की। जैसे कि स्क्रीन पर आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, इस मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सा प्लान होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं और एक ग्रामीण लेवल के लिए मैंने घर बनाया है। क्योंकि ग्रामीण लेवल की अगर बात करें तो थोड़ा सा अंतर ये होता है कि लोग लेट बात ज़्यादातर घर के बाहर बनाना पसंद करते हैं, और जबकि क्योंकि उनके पास जगह काफ़ी होती है तो ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए चीज़ें क्रिएट की हैं और यहाँ पर केवल ग्राउंड फ्लोर मैंने क्रिएट किया है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर भी क्रिएट करना चाहते हैं इसके ऊपर तो वो भी मैं मेथड आपको बता दूंगा और आप उसके आसानी से फर्स्ट फ्लोर भी क्रिएट कर पाएंगे। तो ये 30x20 में 30 इसका फ्रंट है, 20 इसकी लंबाई है, तो 600 स्क्वायर फीट में ये घर बना हुआ है। इसकी कॉस्ट मैंने ऑलरेडी लिख रखी है थंबनेल पर, 5 लाख रुपए। अगर आप बहुत ही अच्छे सीजन में और घर बनवाते हैं तो लगभग 5 लाख रुपए में आपका इस्टीमेटेड कॉस्ट है इसका। 5 लाख रुपए में ऐसा ही सेम टू सेम घर बनवा सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर हो सकता है क्योंकि अप्रॉक्स एस्टीमेशन होता है और लेबर कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हैं और मटेरियल उसमें क्या चल रहा है, क्योंकि मटेरियल भी घटता बढ़ता रहता है। तो अगर आप एक एवरेज की बात करें तो 5 लाख रुपए में 600 स्क्वायर फीट में घर आप आसानी से बना पाएंगे ग्राउंड फ्लोर। तो चलो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस मॉडल प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सके। तो पूरा डिटेल जानने के लिए मैं आपको ले चलूंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, ये पूरा प्लान था जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ 30x20 में। इसका 30 फ्रंट है, 20 इसका लंबाई है, और इसका जो फ्रंट एलिवेशन मैंने क्रिएट किया, ये जो 30 फीट मैंने आपको जगह बताई ना, इसके बाद ये पोर्च जो बना ये अलग से बना है। ये आपका पोर्च का सिर्फ 30 फीट में इंक्लूड नहीं है, ये आपका एरिया थोड़ा सा अलग मैंने कंसीडर किया है क्योंकि पोर्च डिज़ाइन के वजह से घर आपका और बेहतरीन लगने लगता है। वहीं पर मैंने एक कॉर्नर पर बारंदा भी दिया है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बारंदे की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो पूरा 30 फीट है, इसको 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं 10-10 फीट के पोर्शन में। उन्हीं पोर्शनों पर पूरा मैंने मकान डिजाइन किया, आप देख सकते हैं। टॉप व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँ ऊपर से तो आप ऐसा देखेंगे, फ्रंट व्यू आप ऐसा देखेंगे, साइड से आप क्लोज भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 साइड ये मकान क्लोज था, हालांकि साइड में जगह थी इस वजह से मैंने यहाँ पर हाफ वॉल बनाई है। तो ये फ्रंट से आपका ऐसा दिखने वाला, बहुत ही बेहतरीन से। आप बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर का मॉडल है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात करूँ इस पोर्च की, ये पोर्च पहले 2 पिलर आपको दिख रहे हैं उस पर ये डिजाइन बना हुआ है, इसके बाद दोनों तरफ विंडो है और बीच में आपका एक डोर है। वहीं बात करें इधर आपका एक बारंदा है, बारंदे से आप ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पर डोर मिल जाता है, 2 विंडो मिल जाते हैं। अभी मैं बात करता हूँ इस पोर्च वाले एरिया को, मैं आपको टॉप व्यू दिखाना चाहूँगा। तो जैसे आप देखते हैं ऊपर से तो आपका ये मकान पूरा ऐसा दिखने वाला है। आप अगर पोर्च से एंट्री करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे, ये आपका एक लिविंग एरिया है, मतलब लिविंग रूम या आंगन मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका ओपन रहेगा। इसके जस्ट पीछे 2 आपको बेडरूम मिल जाते हैं। वहीं बात करें इस वाले एरिया का, ये आपका बड़ा सा किचन है, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रंट से विंडो दिया है, इससे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो। वहीं ये हॉल जो आपका हॉल था, आंगन था, यहाँ पर भी मैंने विंडो दिया है, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से भी मैंने एक, आप देख सकते हैं ये यहाँ से भी मैंने एक विंडो दे रखा। अगर आप विंडो यहाँ नहीं देना चाहते हैं, इस घर को इस बारंदे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डोर दे सकते हैं। इसके बाद इस बेडरूम में आने के लिए या तो आप इस बेडरूम से होकर आइएगा या फिर बारंदे से एंट्री कर सकते हैं, मतलब इस वाले बेडरूम में जो बीच में यहाँ पर आपको 2 दरवाजे दिए हैं, एक बारंदे तरफ से भी एंट्री कर सकते हैं, एक आंगन तरफ से। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप कंसिडर करिएगा, या आप गेट को इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड लगता है वहाँ लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें, 3 बेडरूम बन जाते हैं, एक बारंदा बन जाता है, एक किचन बन जाता है, लेट बाथ मैंने यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है। अब बात आती है स्टेयर्स की, आपने स्टेयर्स यहाँ पर बनी है नहीं बनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं बनाई थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं स्टेयर्स को तो आप इसी बारंदे से, अगर आप बाहर स्टेयर चाहते हैं घर के अपने बाहर तो आप इस बारंदे से स्टेयर्स को ऊपर ले सकते हैं। अगर आप अंदर चाहते हैं तो आपको इस वाले बेडरूम से लेकर जाना होगा और आप यहाँ पर फिर आप इसे लिविंग एरिया के तरीके से यूज कर पाएंगे क्योंकि आपके यहाँ पर स्टेयर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर कि आप क्या चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं। और मैं मैक्सिमम जूम करके आपको दिखा देता हूँ चीज़ें, कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ, जिससे आपको घर बना जब भी आप बनवाएं तो आपको चीज़ें दिक्कत ना हो। और ये वाला डिज़ाइन आप देख रहे हो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा खपराहल का जो डिज़ाइन होता है वो यहाँ पर मैंने दिया है। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की, दोस्तों लास्ट फ्लोर 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ, फ्रंट में ग्रिल और रेलिंग का मैंने इस्तेमाल किया है जो कि काफ़ी रिक्वायर्ड था। ये देखिएगा
बेहतरीन सा ग्रिल, ये जो कि आपका हिस्टोरिकल प्लेस में आप देखते होंगे जो पिलर आपके बने होते हैं ना डिजाइनदार, वो वाले पिलर्स का मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आप यहाँ स्टील की ग्रिल या रेलिंग लगवाना चाहते हैं तो वो भी लगवा सकते हैं, इसको आपको रिप्लेस करना होगा। ये 30x20 का बेहतरीन सा मॉडल आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, तो अगर आपको मॉडल पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मैं एक आपसे अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, अगर आप पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारी, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है। नंबर हमारा जो भी है वो व्हाट्सअप है, कॉल उस पर नहीं लगेगा, आप हमें पहले व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घर को क्रिएट करता हूँ। लेकिन ध्यान ये रखना है वो हमारी एक पेड सर्विस है, इसमें को 50% पेमेंट आपको एडवांस देना होता है, 50 बाद में देना होता है। तो अगर आप ये सारी शर्तों को मानते हैं तभी कॉन्टेक्ट करें, अन्यथा आप ऐसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट करें। तो अगर हमारा चैनल आपको कुछ ना कुछ देता हो, अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर आपको बेहतरीन बेहतरीन डिज़ाइन मिलते हैं, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएँ स्मॉल हाउस प्लान से, और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें। और किसी प्रकार के डाउट के लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।